अगर आप भी जन्म प्रमाण पत्र घर बैठे डाउनलोड करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप बर्थ सर्टिफिकेट घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है फिर भी आप अगर अपने जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र को आप घर बैठे ही किस प्रकार से आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से निकालेंगे, इसकी कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पे बने रहें। जन्म प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल में कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है पहचान राज्य। आपको सिंपली आपको पहचान राज्य टाइप करना है यानी कि पहचान राजस्थान। आप जैसे टाइप करके सर्च करेंगे तो आप देखेंगे पहचान राजस्थान बर्थ एंड डेट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सिंपली आपको फर्स्ट में ये वेबसाइट देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस इस वेबसाइट का देखने को मिलेगा यानी कि डैशबोर्ड। यहाँ पे देखेंगे बर्थ रजिस्ट्रेशन डेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे कुछ इस तरह का होम पेज आपको दिखाई देगा। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको सेवाओं का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें बहुत सारी सेवाएँ यहाँ पर दी जाती हैं। ये सारी सेवाएँ आपको दिखाई देगी। नीचे आप देखेंगे डाउनलोड सर्टिफिकेट सेवाओं में, सिंपली आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं घटना। घटना आपको चूज करनी होगी कि आप जन्म डाउनलोड करना चाहते हैं, मृत्यु या मृतक जन्म या विवाह, कौन सा प्रमाण पत्र यहाँ से आप निकालना चाहते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म का, तो जन्म यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे खोजे का ऑप्शन जिसमें आप रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण संख्या अगर आपके पास है तो ये चिन्ह चूज करेंगे। अगर आपके पास पंजीकरण संख्या नहीं है तो मोबाइल नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। सिंपली हमारे पास पंजीकरण संख्या है तो हम ऑप्शन पंजीकरण का यहाँ पे चूज करेंगे। उसमें नीचे आपको पंजीकरण संख्या वर्ष यानी कि आपका जो पंजीकरण यानी कि जो रजिस्ट्रेशन बर्थ सर्टिफिकेट का हुआ है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करना है। और पीछे आपको वर्ष का जो कॉलम है उसमें आपका जो वर्ष है किस वर्ष में आपने अप्लाई किया है वो वर्ष यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद नीचे आप देखेंगे कोड, सिंपली आपको जो कोड दिया हुआ है ये कोड यहाँ पे आपको सही तरीके से आपको यहाँ पे इस कोड को फिल कर लेना है। सही तरीके से ही आपको इस कोड को फिल करना है। कोड को यहाँ पे आप जब फिल कर लेंगे उसके बाद खोजे बटन पे आपको क्लिक कर देना है। खोजने के बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे जिस जिनका भी बर्थ सर्टिफिकेट उनका नेम यहाँ पे आपको दिखाई देगा हिंदी व इंग्लिश में। उनके पिता का इंग्लिश में व हिंदी में नाम दिखाई देगा, माता का यहाँ पे नाम दिखाई देगा और सिलेक्ट यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा। नीचे आप देखेंगे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें। सिंपली यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनाते समय मोबाइल नंबर दिया है उसका यहाँ पे एक ओटीपी पर आप जैसे क्लिक करेंगे उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी यहाँ पर सेंड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ओके बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस पर एक ओटीपी सेंड हो चुका है। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है। ओटीपी डाले के बॉक्स में आपको यहाँ पर जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आया है उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है और डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे हम OTP को एंटर कर देते हैं। OTP को यहाँ पे आप एंटर करने के बाद डाउनलोड सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक PDF यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे PDF डाउनलोड हो चुका है अब यहाँ पे हम इस PDF के इस ऑप्शन पे ओपन कर लेते हैं। ओपन जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा PDF ओपन हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं जो कि एक बर्थ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आप आपको PDF में ओपन हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे जो भी बर्थ सर्टिफिकेट जिनका बनाया है उनका नाम, जन्म डेट, पिता का नाम, माता का नाम, पूरा एड्रेस पता सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा जिसमें आपका कब जनरेट किया गया है प्रमाण पत्र सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इस तरीके से आप बर्थ सर्टिफिकेट को, जन्म प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।